तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या कहते हैं कि हीट इंजन विथ इफिशियंसी 50%, ये जो मॉडल बनाया गया है वो हीट इंजन का, ये सोर्स है टेम्परेचर T1 पे, हमेशा T1 ग्रेटर होता है ये T2 से, क्योंकि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। और इसका T1 जो टेम्परेचर है वो हमें दिया हुआ है, T1 की वैल्यू कितनी है भैया, 600 केल्विन। ऊपर देखो यहाँ पर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफिशियंसी, कि एक केस स्पष्ट है तो सिंक, दूसरे केस में हमें सोर्स सिंक का टेम्परेचर, सिंक मतलब जो हीट बेकार चली जाती है, यहाँ से हीट आती है, कुछ वर्क डन होता है और कुछ बची हुई हीट इसमें चली जाती है। तो जो दूसरी वाली जो टेम्परेचर, जो दूसरा वाला पहले केस में सिंक का टेम्परेचर तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन पहले केस में हमें इफिशियंसी कितना है, 50%। अब यहाँ से देखोगे केस टू, पार्ट टू में बात करोगे तो मेरी इच्छा जागती है कि मैं इफिशियंसी ईटा डैश 70%, जो 50 है उसको 70% कर दूँ, कीपिंग द सिंक टेम्परेचर सेम, मतलब T2 वही रहेगा जो पहले वाले केस में आया है, तो न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो T1 डैश नया टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, दोनों केस को अलग अलग सॉल्व कर लो, हम सबको पता है इफिशियंसी ऑफ कर्नो हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 50% इफिशियंसी, तो 50 अपॉन 100, और 1 माइनस T2, T2 हमें पता ही नहीं है और T1 हमें पता है, तो ये 600। यहाँ से तो यहाँ से देखोगे तो T2 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से देखोगे 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2, मतलब T2 आ जाएगा 300 केल्विन। तो जो 300 केल्विन है वो बेसिकली सिंक का टेम्परेचर है, जो कि इन दोनों केस में चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, सेम है, तो दिस इज़ नॉट चेंजिंग इन बोथ द केस। तो अगर ये प्यारे बच्चों चेंज नहीं हो रहा दोनों केस में, तो हमें कोई तो दिक्कत है नहीं, लेकिन सोर्स का टेम्परेचर चेंज करूँगा तभी तो इफिशियंसी चेंज होगी, ठीक है। तो ईटा डैश, नया ईटा डैश इज इक्वल टू 70 अपॉन 100, और 1 माइनस T2, T2 हमें सिंक का टेम्परेचर जो कि पहले वाले है 3, और T1 सोर्स का ही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो ये आ जाएगा 300, और यहाँ से T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10। तो 7/10 मतलब देखोगे तो यहाँ से 7/10 मतलब ये आ जाएगा 3/10, और ये आ जाएगा 300 अपॉन T1 डैश। तो 3 जीरो इसको काट दिया, तो T1 डैश जो है वो आपको करना पड़ेगा 1000 केल्विन, मतलब नया टेम्परेचर जो है वो करोगे 1000 केल्विन, तब जाके हमारा इफिशियंसी 70% होगा। तो इस लॉजिक से अगर तुम देखोगे तो बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ये गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।